चुनाव माहौल के ठीक बीच में अब लालू यादव की बायोपिक पर विवाद खड़ा हो गया है। लालू यादव पर गोपालगंज टू रायसीना माई पॉलिटिकल जर्नी नाम से किताब लिखी गई है, जिस पर विरोधी सवाल उठा रहे हैं। किताब में नीतीश कुमार को बंदर बताए जाने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने ऐसे जवाब दिया, नीतीश जी ने ऐसा कोई सगा नहीं है जिनको उन्होंने ठगने का काम नहीं किया। और जहाँ तक लालू जी की किताब की बात है, आप देखिएगा बंदर का अगर जिक्र उसमें किया गया है, उन्होंने नीतीश कुमार जी के व्यवहार को लेकर के बोला। अगर बंदर के व्यवहार को देखा जाए तो आप देखिएगा बंदर की आदत, बंदर का व्यवहार, और जो बंदर जिस प्रकार से एक डाली से दूसरी डाली पर जाता है उसको लेकर के उन्होंने कहा है, एक व्यवहार को लेकर के कहा है। अगर पॉलिटिकली अगर आप देखें तो नीतीश कुमार जी एक जगह तो टिकते हैं नहीं, और हम तो गारंटी रूप से कहते हैं कि नीतीश कुमार जी आप क्यों नहीं सामने आकर के कह रहे हो। हम चुनौती देते हैं कि जो बातें किताबें में लिखी गई हैं उसका आप खंडन करो, अपने भाड़े के लोगों से खंडन मत करवाइए, आप खुद आकर के, हम चुनौती देते हैं कि वो आकर के खंडन करने का काम करो। जेडीयू का आरोप है कि लालू यादव घोटाले के आरोप में जेल में है, ऐसे में उन पर किताब लिखने का कोई तुक नहीं बनता। जो किताब बाजार में आया उसका नामांकन किया गया है गोपालगंज से रायसीना, तो मैंने कहा है उन लेखक को कि इसका शीर्षक नाम देना चाहिए गोपालगंज से कोटवार भाया रायसीना। ये लोग बहुत ज्यादा खरीदते, उसमें लालू जी के पूरे राजनीतिक जीवन का उसमें डालना चाहिए था। ये स्वतंत्रता सेनानी ने जिसके ऊपर किताब लिखा गया है, ये जेपी नहीं है, कर्पूरी ठाकुर जी नहीं है, लोहिया जी नहीं है, नीतीश कुमार जी नहीं है, जिसके ऊपर किताब लिखा गया है वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। उनके बेटा तेजस्वी यादव जी भ्रष्टाचार के आरोप में बेल में है, राबड़ी देवी जी बेल में है, राबड़ी देवी मीसा भारती बेल में, ये सारे लोग जितना इनका परिवार है भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये वर्णन जरूर करना चाहिए था। चुनाव में लालू यादव की इस किताब पर सियासत कितनी और गर्माती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तो तय है कि इससे चुनाव में कुछ असर तो जरूर पड़ेगा।